हेलो, मैं अभिनय श्रीवास्तव, SSC 10+2 का एस्पिरेंट। 2019 वाले SSC CHSL की मेरी DB थी। अभी मैं आपसे अपना DB का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट था 21 मार्च को। मैं वहाँ 2 बजे गया, लेकिन एंट्री लगभग 4:15 बजे हुई। उसके बाद अंदर गया, उसके बाद उन्होंने एक वो फॉर्म दिया डिक्लेरेशन लिखने का। उसको लिखने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा अनाउंसमेंट किया, खास तौर से EWS के एस्पिरेंट्स के लिए, कि EWS का जो सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड ईयर 2019-20 और फिनंशियल ईयर 2018-19 के अलावा और किसी पे भी माने नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी एस्पिरेंट EWS एस्पिरेंट को प्रोविजनल नहीं दे रहे हैं। अगर आपके सर्टिफिकेट में कुछ करेक्शन कराना है, जैसे कि मान लीजिए आपका वैलिड ईयर और फिनंशियल ईयर दोनों सेम हो गया है, तो भी आपको UR में कन्वर्ट करा दिया जाएगा। या फिर अगर आपका उस वैलिड ईयर 2019-20 का अगर आपके पास ना हो, 20-21 या फिर 21-22 का हो, तो भी आपको डायरेक्ट UR में कन्वर्ट करा दिया जाएगा। हाँ, 2019-20 और फिनंशियल ईयर 2019-20 जिनकी में गलती हुई है, उनको 31 मार्च तक का समय दिया जा रहा है कि आप अपना सर्टिफिकेट करेक्ट करा के 31 मार्च से पहले वहाँ ले जाके ऑफिस पे उनके जमा कर दीजिए। अगर ऐसा आप कर सकेंगे तो वो आपको UR में कन्वर्ट जो किए हुए हैं उससे फिर वापस आपको EWS में डाल देंगे, लेकिन प्रोविजनल किसी को नहीं दे रहे हैं। बाकी अगर बाकी के सर्टिफिकेट के बारे में बात करें, तो बाकी के सर्टिफिकेट में आपका जो आपको एडमिट कार्ड मिला हुआ है, उस एडमिट कार्ड में जो भी कागज़ हैं उन सब के साथ आपको हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो, और उसके अलावा आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी या पैन कार्ड की फोटोकॉपी जो भी हो उसको लेके जाना है, और कम से कम आप 2 सेट ले लीजिएगा। और उसके बाद आप उन सबको अटेस्ट कर लीजिए, सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, अपनी सिग्नेचर कर लीजिएगा, उस पर डेट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा तो सेंट्रल रीजन में था तो ऐसी कुछ समस्या आई नहीं। हाँ, बस थोड़ा समय का इशू हो गया कि अगर आपकी जैसे थर्ड शिफ्ट है और अगर आप 6 बजे की ट्रेन करना चाहते हैं तो ना करें, क्योंकि कितना समय लगेगा ये, मतलब वहाँ पे जो कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता है। कभी कभी कोई शिफ्ट जो 4:30-5 बजे भी छूट जाती है, और कोई कोई शिफ्ट ऐसी है जिसमें 5:30 भी लग जाते हैं, 6:30-6 बजे। मैं तक मेरा खुद 7:45 बजे छूटा था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू।